everyone, my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are going to study class 12 political science of ISC board, and I hope you all are studying well. So today we are going to start with our topic, that is we are continuing with our unit on fundamental rights, and today we are going to start with a very new topic, that is right against exploitation. Before we start, I request you all to like the video and to subscribe my channel so that you get a notification whenever we post a new video. So do hit the bell icon so that you get a notification whenever we post a new video. And if I'll get this time 50 or more than 50 likes, then I will make a special video on the way of writing and how to score good marks in your exam. So that video will be very, very helpful. So I hope that you will like the video and subscribe the channel. So now let us start with a very important topic, that is right against exploitation. So if you have not watched the previous videos on judiciary, please go back and do watch it. If you have not watched the previous video on local self-government, please go back and watch that. And we are doing it in a sequence. So if you have not watched the previous videos of fundamental rights, then please go back and also watch that. That is the first video. In the first video, we talked about the why are they called fundamental rights. In the second video, we talked about another fundamental right. In the third, we about another. So now we are going to talk about right against exploitation. Okay, so right against exploitation. So prohibition of traffic in human beings and forced labor. So हमारा ये third fundamental right है. तो इसको हम ध्यान से अभी करने वाले हैं. इसमें ये बताया जा रहा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विच इज योर आर्टिकल नंबर 23 एंड 24. सो इससे पहले, सबसे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं फर्स्ट वीडियो में वो पढ़ा था. सेकंड वीडियो में हमने राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था. फिर थर्ड वीडियो में हमने राइट टू फ्रीडम के बारे में पढ़ा था. फिर अब आज की जो हमारी फोर्थ वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, जिसमें आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में हम जानेंगे. सो कमिंग ऑन टू इट्स फर्स्ट पॉइंट, विच सेज दैट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. सो अगर हमें किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से बचना है, तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं. सो आर्टिकल 23 सेज दैट कि किसी भी तरीके का प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. कई बच्चे क्या करते हैं कि ट्रैफिक वर्ड को सुनते ही कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि रोड पे चलने वाला जो ट्रैफिक है उसके बारे में बात हो रही है. बट इट इज नॉट दैट. बिल्कुल भी यहाँ पे रोड के ट्रैफिक के बारे में कोई बात नहीं हो रही है. इधर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेन एंड विमेन. जो आदमी और औरत को जो खरीदा और बेचा जाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो अंडर आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर इसके लिए बताया गया है. क्या बताया गया वो हम देखते हैं. अंडर आर्टिकल 23 द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर. तो आर्टिकल 23 के अंदर ये बताया गया है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है. प्रोहिबिट करना मतलब मना करता है कि आप ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर सकते, यानी कि आप मेन और विमेन का बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते. कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी आदमी को खरीद लो या आप किसी विमेन को खरीद लो. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो एंड बेगर, कि आप किसी बेगर को खरीद लो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है. एंड सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, अगर आप किसी से फोर्स्ड लेबर कराते हो,
कि आप उसको पैसे भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे और उससे फोर्सफुली काम करा रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, दैट इज अगेंस्ट द लॉ. सो इस वाली चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन आई है, दैट इज सिस्टा. सो फॉर प्रोटेक्टिंग विमेन फ्रॉम दिस, सिस्टा हैज बीन इन ऑपरेशन सिंस 1956. सो सारी औरतों को बचाने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिसका नाम है सिस्टा, वो ऑपरेशन में है 1956 से. सिस्टा की फुल फॉर्म है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट. इसको फिर से पढ़ते हैं, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट. तो जो आपकी सिस्टा ऑर्गेनाइजेशन है ये औरतों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाती है. दे प्रोटेक्ट विमेन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जहां पर औरतों को खरीदा या बेचा जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ विमेन. सो उससे सिस्टा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1956 से विमेन को इस चीज से बचाती है. एंड अंडर आर्टिकल 23 इट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. ठीक है, तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर. सो एक तो आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी नहीं कर सकते और आप फोर्स्ड लेबर भी नहीं रख सकते हो. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 24. आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन. तो आप छोटे बच्चों से एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते. तो प्रोहिबिशन का मतलब मना है, ये सख्त मना है हमारे कानून में कि आप किसी भी छोटे बच्चे को से एम्प्लॉयमेंट नहीं करा सकते. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क. तो किसी भी चाइल्ड को जो कि 14 इयर्स से छोटा है, उस बच्चे से आप कोई भी काम नहीं करा सकते. सो एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नाउ वी आर कमिंग टू आर अनदर फंडामेंटल राइट विच इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एंड इट कवर्स आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि मुझे फ्रीडम है कि मैं किसी भी रिलीजन को क्या कर सकती हूँ, अडॉप्ट कर सकती हूँ, किसी भी रिलीजन को क्या कर सकती हूँ, प्रोपोगेट कर सकती हूँ, स्प्रेड कर सकती हूँ. सो दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट द राइट टू फ्रीली अडॉप्ट एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. कि आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हो और किसी भी रिलीजन को आप फ्रीली प्रोपोगेट कर सकते हो. इसके ऊपर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस राइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड अंडर 4 आर्टिकल्स. तो अब हम 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करने वाले हैं जो कि आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन दी गई है. सो आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 25 इन डिटेल कि आर्टिकल 25 का मतलब क्या है. सो इट सेज दैट फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. इसका मतलब क्या है इस आर्टिकल का. ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन विच इज योर आर्टिकल नंबर 25. इट सेज दैट इसका मतलब ही यही है कि आपके पास फ्री प्रैक्टिस करने की परमिशन है. आप किसी भी रिलीजन को अपनी कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को फ्रीली प्रोपोगेट कर सकते हो, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो. तो यही बात आपको बताई गई है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री प्रोफेशन कर सकते हो एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस मतलब आपको कॉन्शियसनेस के साथ में आप किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते
अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देखते हैं. दैट इज फोर्सिबल कन्वर्जन स्टैंड प्रोहिबिटेड इन इंडिया. आपके इंडिया में फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं किए जा सकते, ये प्रोहिबिटेड है कि अगर आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो दैट इज नॉट अलाउड इन इंडिया. ठीक है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया. इंडिया का खुद का कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है कि आप बोलो कि ये वाला स्टेट रिलीजन इंडिया का है. नहीं, और इंडिया में तो बल्कि ये फ्रीडम है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपका मन करे आप किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हो. तो ये हमारे सेक्युलरिज्म के फीचर को बहुत ही अच्छे से दिखाता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल रिलीजन आर इक्वल. इंडिया में सारे रिलीजन को क्या देखा जाता है? इक्वल. यहाँ पर हर रिलीजन बराबर है. वेदर वी टॉक अबाउट हिंदुइज्म, वेदर वी टॉक अबाउट क्रिश्चियनिटी, वेदर वी टॉक अबाउट एनी रिलीजन, ऑल रिलीजन आर इक्वल इन इंडिया. सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पीपल इंजॉय रिलीजियस फ्रीडम एंड दे कैन अडॉप्ट और रेफ्रेन फ्रॉम अडॉप्टिंग एनी रिलीजन. इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं उनके पास रिलीजियस फ्रीडम को वो इंजॉय करते हैं और वो किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं और रेफ्रेन फ्रॉम अडॉप्टिंग एनी रिलीजन. यानी कि या तो वो उनका कोई रिलीजन अडॉप्ट करने का मन है तो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं, और अगर वो किसी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करना चाहते तो वो मना भी कर सकते हैं कि हम ये रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करना चाहते. सो दिस इज योर आर्टिकल नंबर 25. सो एज वी आर डूइंग दिस टॉपिक फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन विच इज फ्रॉम आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28. तो अब हम आर्टिकल 25 क्या होता है वो तो हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल नंबर 26 की आर्टिकल 26 क्या कहता है और किस बारे में है. सो आर्टिकल 26 इज अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कि हमारे को रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने की पूरी फ्रीडम दी गई है. सो एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ एनी सेक्शन हैज दीज राइट्स. सो अंडर आर्टिकल 26 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसको ये सारे राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी सेक्शन के हो. सो नंबर वन इज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. सो फर्स्ट पॉइंट इज कि एस्टैब्लिश करना और मेंटेन करना इंस्टीट्यूशंस को जो कि किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज करना रिलीजन के मैटर में. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो हम मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो. तो कोई अगर हमारा रिलीजियस कुछ सामान है जो कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं तो हम वो भी एक्वायर कर सकते हैं. और इमूवेबल मतलब जैसे कोई एक टेम्पल कंस्ट्रक्शन है या कुछ है जो जगह से वो प्रॉपर्टी मूव नहीं हो सकती, तो वो वाली चीज भी हम एक्वायर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 26. मतलब बेसिकली वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो चीज एक्वायर कर सकता है. सो टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है रिलीजियस प्रॉपर्टी तो हमें उसको मैनेज कैसे करना है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ के हिसाब से. सो द फर्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, कि हमारे पास ये फ्रीडम दी गई है कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन. वो वाला रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अपने सारे रिलीजियस मैटर्स को अच्छे से डील कर सकता है, मैनेज कर सकता है. फिर हम ओन कर सकते हैं और एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को. फिर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ. सो ये वाली सारी तरीके की प्रॉपर्टी, यानी कि जितनी भी हमारे को रिलीजियस प्रॉपर्टी दी गई है या चैरिटेबल प्रॉपर्टी दी गई है, तो हम इन सबको मैनेज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ. सो दिस इज योर आर्टिकल 26. सो एज वी आर डूइंग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आपका आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आता है. ठीक है, तो हम आर्टिकल 25 और 26 तो समझ लिया हमने. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आर्टिकल 27 विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. सो आर्टिकल 27 सेज दैट फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन. दिस इज योर आर्टिकल नंबर 27. सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फ्रीडम दी गई है कि अगर आप किसी भी रिलीजन की प्रमोशन कर रहे हो तो आपकी को आपको उसके लिए कोई टैक्सेस पे करने की जरूरत नहीं है. सो दिस आर्टिकल मैंडेट्स दैट नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू पे एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. कि अगर आप किसी भी रिलीजन की प्रमोशन कर रहे हो, मतलब आप उस रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो या प्रोपोगेट कर रहे हो, तो आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो स्टेट आपसे उसका कोई पैसा नहीं लेती है, विच इज योर आर्टिकल नंबर 27. ठीक है, अब आर्टिकल 28 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच सेज दैट फ्रीडम एज टू अटेंडेंस इन रिलीजियस फंक्शन. आर्टिकल 28, इसका नाम तो थोड़ा अजीब सा है, बट इसका जो अंदर का मैटर है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करती हूँ. इसमें ये बताया गया है कि मान लो कि हमारा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी. नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स. अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट फंडेड है, ठीक है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट चला रही है, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होल्ली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स. तो किसी भी तरीके का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उसमें नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें उस जगह पर जाकर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते क्योंकि वो स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. एंड द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन अ रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन द इंस्टीट्यूशन. मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस वर्शिप या कोई प्रैक्टिस की जा रही है, कोई वर्शिप की जा रही है या कोई प्रेयर की जा रही है, तो आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये वाली वर्शिप करो या ये वर्शिप हो रही है तो आप इस वर्शिप का पार्ट बनो. सो नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी फोर्स्ड टू पार्टिसिपेट इन अ रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड इन द इंस्टीट्यूशन. तो इंस्टीट्यूशन में अगर कोई रिलीजियस वर्शिप हो रही है तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वो वर्शिप अटेंड करनी ही करनी है. अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल. इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर. एंड प्लीज लाइक द वीडियो and do subscribe my channel. If you will subscribe the channel, do hit the bell icon so that you will get a notification whenever we post a new video. And as I am saying this, like as I have said this in my previous video as well, k
कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, एंड इफ आई गेट 50 और मोर देन 50 लाइक्स एज आई हैव सेड प्रीवियसली एज वेल, देन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर वे ऑफ राइटिंग विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू. So, thank you so much.